स्टूडेंट्स एज यू नो कि हम स्टेप बाई स्टेप वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू वर्ड्स अवर ऑफ सोशल नेटवर्कस अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ एलगोरिदम्स लास्ट में हमने कुछ मॉडल डिस्कस किए कि मॉडल आपने डिवेल्प कैसे करने हैं अब हम ये देखें कि कौन कौन से एल्गोरिदम या स्टेटिस्टिकल मॉडल्स या मैथमेटिकल मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके तो हम ये कम्यूनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं दर इज़ अ लार्ज लिस्ट ऑफ यू नो बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑब्वियसली ना तो हम सारे कर सकते हैं कवर ना ही वो इतने की ज़रूरत होती है कुछ मेन होते हैं जो कि आपको नॉलेज में होने चाहिए कि अच्छा ये इस तरह का जो है वो एल्गोरिदम्स हैं इस तरह के तीन चार मेजर कैटेगरीज़ हैं फिर हर कैटेगरी के अंदर कुछ है और दैट इज़ वॉट यू नीड टू नो और फिर जैसे जैसे आप कुछ इनको यूज़ करेंगे इनमें से कुछ तो फिर आपको यू नो यू विल लर्न के कौन से ज़्यादा यूजफुल हैं देन यू विल यूज़ देम रिपीटेडली एंड सम टाइम हम कॉम्बिनेशन में भी इनको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमने और के डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह की बात की थी कि यू डोंट हैव टू स्ट्रिक्ट कि आपने हमेशा एक ही एलगोरिदम या एक ही मेथड या एक ही मॉडल यूज़ करना है आप उनको अगर इफ़ यू रिकॉल कि जब हम डेटा रेंगलिंग की बात कर रहे थे या हम डेटा कम्प्लीटनेस और इस तरह की कुछ और चीज़ें जब हमने डिस्कस की थी तो वी अंडरस्टैंड कि एक जो क्वालिटी का पैरामीटर है उसको हम पूरी डाटा पाइपलाइन में डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं या एक ही जो आपका मेथड है जो एक आपने स्क्रिप्ट लिखा है पाइथन का या वट उसको आप बार बार भी यूज़ कर सकते तो इसी तरह इसके अंदर भी है कि आप एक दो तीन मॉडल वंस आपने यूज़ कर लिए तो दैट इज़ अनफ फॉर यू इन द बिगनिंग और फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप डिफरेंट सिचुएशंस हैंडल करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है उसको या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म या यू नो इंशाल्लाह इट विल डिपेंड कि आप किस इंडस्ट्री में किस तरह का काम करते हैं तो अकॉर्डिंगली फिर ये चीज़ें आपके यू नो दिस दिस नॉलेज विल बी वेरी वेरी यूज़फुल एंड हैंडी फॉर यू कि आपने किस सिचुएशन में किस तरह का जो है वो जो एल्गोरिदम या जो स्टेटिस्टिकल मॉडल है उसको आपने यूज़ करना है तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें तीन समझे कि आप मेन कैटेगरीज हैं दो तो वो हैं जो कि बाई है तीसरे फिर अदर वो है जो कि कम यूज़ होते हैं या देर इज़ लेस रिसर्च ऑन यू नो दोज एरियाज तो आपका ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन वी अंडरस्टैंड के हम वट डज़ ऑप्टिमाइजेशन मीन ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपका एक्सपेंस है मंथली मे बी आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं या आप बिल्कुल कंजूस हैं तो डिपेंडिंग ऑन लेकिन देन यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस जो बैलेंस होता है ना दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन जिसमें आपने किसी भी एक्सट्रीम से बचना है कि ना आपने लेफ्ट पे जाना है ना राइट पे जाना है बल्कि यू हैव टू बैलेंस यूर सेल्फ़ तो इस तरह के जो टेक्निक्स हैं दे आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स तो फिर इनके अंदर जो डिफरेंट मेथड्स हैं और हर एक के अंदर फिर आपके डिफरेंट जो है फर्दर एल्गोरिदम्स हैं या वो मॉडल्स हैं स्टेटिस्टिकल मॉडल मॉडल्स मैथमेटिकल मॉडल जिनको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं एवरेज कट है रेशो कट है नॉर्मलाइजेशन है कैमिगॉन लिन है ये फिर फास्ट न्यू मैन है तो ये डिफरेंट लोगों ने जिन्होंने इन पर काम किया है कि उनके नामों पे भी ये है और कुछ वो जनरल है ठीक है इसी तरह फिर जो दूसरा आपका आ जाता है ये ह्यूरिस्टिक कार्ड ये मोस्टली आपके जो जो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर आप जो काम करते हैं एक्सपोलेटरी डाटा एनालिसिस करते हैं उसमें ये वाले जो आपके एलगोरिदम हैं ये वहाँ पर यूज़ होते हैं तो इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दैट इज़ दिस किरवैन न्यूमैन मेथड ये ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और भी मतलब हैं काफ़ी सारे बट दिस वन इज़ मोस्ट वाइडली यूज और आप अगर इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा यही वाला मैथडे इससे मतलब डॉक्यूमेंटेशन नज़र आएगी फिर अदर्स हैं जिसके अंदर आपके ये डिफरेंट मैथड्स हैं को रिलेशन कोफिशेंट अब कोरेशन आपको याद होगा कि जब हमने मेरा ख्याल है इनमें से अगर हम सिर्फ एक को कोफिशेंट कोई जो वो डिस्कस कर ले तो, तो देट वुड बी अनफ को बेसिकली जब हमने स्टेटिस्टिक्स कि जो डिफरेंट मॉडल्स पड़े थे डिफरेंट मईर्स पड़े थे मैयर ऑफ़ सेंट्रल टेंडेंसी या यू you नो know, तो कोरिलेशन भी वहीं पे हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ कोरिलेशन जैसे था आपका एवरेज के डिफरेंट मयर्स थे मीन मीडियम मोड आपके पास जो उसके डिफरेंट परसेंटाइल क्वारेंटाइल इसी तरह जो आपके कोरिलेशन ये है कि बेसिकली आपके जो दो वेरिएबल हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है कि एक वेरिएबल में चेंज आती है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आती है ठीक है ना तो दैट इज़ कोरिलेशन और वो जो चेंज का इम्पैक्ट है एक का दूसरे पे वो उसका कोफ़िशेंट है वो उसकी तो कोरिलेशन कोफिशेंट को भी स्टडी करके आप ये देख सकते हैं कि अगर जैसे अगर कोरिलेशन कॉफिशेंट कम है तो उसका क्या इम्पैक्ट है आपके रिज़ल्ट अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है इस तरह से आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं तो अगर आप जस्ट टू यू नो समराइज़ दिस आई वुड सजेस्ट कि आप को रिलेशन कोफ़िशेंट पर फोकस करें गिर न्यू मैन मेथड पर करें और मे बी एवरेज से ज़्यादा आई थिंक मे बी रेशो कट जो है दैट वुड बी के कोई जो एक तरह के नोड हैं अगर फर्ज करें पूरे आपके पास वन थाउजेंड नोड है किसी एक नेटवर्क में तो उसमें से जो कोई एक तरह के उनकी रेशो कितनी तो वो रेशो के हिसाब से आप जैसे जैसे रेशो को काउंट करते हैं तो आप उसको बाक़ियों को इग्नोर करते हैं जो ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं उनको आप यू कीप दैम इन यूर यू नो लिस्ट और वो दैट बिकम्स यूर सोशल नेटवर्क तो इस तरह से यहाँ पर सोशल नेटवर्क के अंदर जो कम्यूनिटी आपने फाइंड करनी थी उसको आप इस तरह ये जो डिफरेंट uh, आपके एल्गोरिजम्स हैं उनकी बेस पर आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं फिर इसकी थोड़ी सी डिटेल है ये आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि इसमें कोई दर इज़ नथिंग मच जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं वही इस यहाँ पर भी डिस्क्राइब की गई हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एटलीस्ट ऑल थ्री एरियाज़ में एक एक जो एल्गोरिदम है जो एक एक मेथड है उसको आप ट्राई करें और इसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अगर फ़र्ज़ करो पाइथन की वेबसाइट पे आप जाएं वहाँ से आपको पूरे पूरे इसके वो जो गिट पे जाएं तो आपको इनके जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजिज प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ से मिल जाएंगी इसकी जो रियल वर्ल्ड डिफरेंट एप्लीकेशन है दे आर एंडलेस लेकिन जस्ट टू नेम ए फ्यू जैसे हमने कहा कि सोशल नेटवर्क रिकमेंडेशन इंजन इसकी भी मैंने बात की अब बार बार मैं बिल्कुल टाइम एंड अगेन आई हैव गिवन एग्जांपल कि रिकमेंडेशन इंजन के लिए ये जो हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं और इनके अंदर जो कम्युनिटीज़ या पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन है वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है ठीक है क्लस्टर ग्राफ फ्योरिस्टिक बायोलॉजिकल नेटवर्क पैटर्न रिकगनीशन तो बायोलॉजी बायोलॉजी में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्योंकि जो लोग इस पे ह्यूमन बॉडी पे या जोआलोजी में बॉटी में काम करते हैं जो कि लिविंग जिन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं तो उनके लिए भी ये दे आर सो मैनी मॉडल जैसे मैंने कहा दे आर ये जो लिस्ट भी आपने देखी दे आर वेरी फ्यू देर आर मैनी मैनी मोर मॉडल्स अवेलेबल एल्गोरिदम्स अवेलेबल बट जस्ट टू स्टार्ट विद यू कैन स्टार्ट विद दिस लिस्ट